तो भाई लोग कैसे हैं। तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। देखो भाई, हो सकता है इस वाले मैच में वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको मेरी आवाज़ बहुत मोटी आ रही हो, कानों में बहुत ज़्यादा छुप रही हो, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। मतलब कि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, इस वजह से ऐसी बात आ रही है। तो देखो भाई, इस मैच में अपन उतरे थे जॉर्ज ऑफ सिटी और एग्जिट मेरे नीचे ही एक बंदा है, मैंने एस पी फेंक गया था ताकि इसे स्पॉट कर सकूँ। देखो भाई, यहाँ पर आके मैं बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, मतलब यार यहाँ से मुझे एक भी किल नहीं मिलती। तो मेरा दो टीममेट जो है भाई रैंडमली है, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं अभी अपन, तो रैंडमली टीममेट है मेरा पूरी की पूरी किल ले लेगा यहाँ से। लेकिन फिक्र मत करो यार भाई, तुम्हारा भाई फिर भी किल निकाल ही लेगा। देखो ये शॉट गन है भाई, शॉट गन से अपने को बिल्कुल भी जमता ही नहीं खेलना। मतलब शॉट गन यार भाई बहुत मेरे को बहुत गंदी गंदी दिखती है यार। एक बार को S12 के हो जाए या फिर DBS, ये दो गन अपने को बहुत अच्छी दिखती है। मतलब इसको बस एक तरीके का चलाते जाओ धाड़ 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 धाड़। तो इसलिए वही ये जो खचा खच वाली शॉट गन होती है ना, ये अपने को पसंद ही नहीं। मतलब जो कुछ भी इसका नाम है, नाम भी आने तक सबके एक जैसे ही होते। देखो लूट वूट अपनी पूरी कंप्लीट हो ही चुकी थी, अब मैं यहाँ से निकलने वाला था। तो उतने में क्या होता है कि मेरा जो 3 नंबर का टीममेट होता है ना, उसे कोई बंदा पकड़ के पेटी बनाना चाह रहा था। तो देखो यहाँ से तो बंदा मेरे को दिखता नहीं, फिर मैं सीधा घर के अंदर चला जाता हूँ। मतलब ये जो बाजू में बगल में जो अपने पड़े हुए ना घर, उसके अंदर चला जाता हूँ। तो मतलब वही घर है, कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए। देखो भाई, तुम्हारे भाई ने उठाई है ये जो क्या नाम है यार, इसका नाम ही याद नहीं आता है भाई। मतलब A16 A4 अपने उठाई हुई है। और देखो भाई क्या ही ज़बरदस्त चलाता है तुम्हारा भाई टैप टैप पे। मतलब भाई इस गन से एक वक्त पे मैंने 1v4 किया था, मतलब अपार्टमेंट में। वो वाला क्लिप अभी मेरे पास है नहीं यार, मतलब कि अपने पास स्पेस की कमी है, इस वजह से अपन डिलीट कर देते भाई। तो वो वाला क्लिप अभी अपने पास में है नहीं भाई, अगर हो सके तो ज़रूर मैं आपको वो क्लिप बताऊँगा, मतलब कोई और टाइम पे। देखो अब यहाँ से अपन स्कारल वगैरह उठाते और सीधा लूट करके जाएंगे अब जॉर्ज ऑफ पुल की तरफ, मतलब वहाँ पर। और ये देखो भाई क्या ही, मतलब यार ये टूर कॉलर का भी एक बहुत ही अलग ही मसला है यार। मतलब अगर ना रखो तो किसी का नाम भी पता नहीं चलता। मतलब रेंडमली अगर किसी का फ़ोन आ गया तो आपको किसी का नाम तो नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी यार दिमाग ख़राब हो जाता है। तब देखो यहाँ पर अपन आ जाते हैं जोकर वाली दुकान पे, और यहाँ से मैं बंदों की लोकेशन मतलब चेक कर रहा था कि सबसे ज़्यादा बंदे कहाँ पर मिलेंगे। तो वो इसने कहाँ बताया, प्रेजन, हाँ शायद प्रेजन की तरफ बताया था। तो भाई वो प्रेजन तो पहले जाने दो, मतलब उसको खैर बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दो बंदे आ चुके हैं, मतलब आपने देखा ही होगा जब मैं जोकर की दुकान पे खड़ा हुआ था तो एक गाड़ी आते हुए दिखी थी और वो मेरे को गाड़ी दिख चुकी है। तो भाई मैं यहाँ पर आके सीधे आई की ESP फेंक देता हूँ ताकि मुझे बंदे पता चल जाए कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। तो देखो भाई कैसा मारते हैं दोनों बंदों को। तो भाई देखो बात कुछ ऐसी है, अब इन दोनों बंदों को तो हमने मार दिया, मतलब इनकी लूट वीट भी उठा ली। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मतलब बिल्कुल सामने से आके फिर वापस घूम कर पीछे क्यों चला गया। तो देखो भाई दोनों के दोनों बंदे एक साथ ही आ रहे थे, मतलब साथ में आ रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी अपना दिमाग चलाया और मैंने कहा भैया जी अगर नॉक नहीं होना है, मतलब यहीं से अपने को मैच नहीं कटना करना है और यहीं से अपने को लॉबी नहीं जाना है तो वापस पलट जाओ। तो इसीलिए भाई मैं वापस पलटा और फिर वापस जाके मतलब पीछे से एक को नॉक किया, फिर घूम के आके फिर सामने से एक को नॉक किया। और हाँ भाई वो बंदा इसीलिए मर गया कि तो ये जो अपना ESP है ना, मतलब लोकेशन ट्रैकर जो है ना, ये करंट के झटके देता है थोड़ी थोड़ी देर में, उस वजह से वो मर गया। तो देखो भाई अब हम जाने वाले थे रोजॉक की तरफ, तो अपनी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो अपन गाड़ी वाड़ी बदलेंगे, मतलब बदल दिए गाड़ी अब तो। और भाई रोजॉक में तो बंदे होते नहीं, तो मैं सीधा अपार्टमेंट ले लेता हूँ। अपार्टमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ एक पॉट मिलता है मेरे को, और पता नहीं भाई पबजी वालों ने बंदे कम कर दिए या पॉट बहुत ज़्यादा डालने शुरू कर दिए। भाई एक टाइम था जब आप मैच खेलते थे, मतलब लास्ट जोन में भी
बीस 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 कह रहा हूँ यार भाई, मैं 30 से भी ज़्यादा बंदे अलाइव हुआ करते थे। तो देखो भाई, उस बॉट को मारने के बाद अपन फिर से एक बार जोकर वाली दुकान पे आ जाते हैं, और यहाँ पर भी मेरे को एक बॉट मिलता है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता और फिर सीधा अपन निकलेंगे आप फिल्टर की तरफ। जो तो यहाँ पर दो दो ड्रॉप हुए हुए थे और मुझे लगा कि बंदों की भीड़ लगी पड़ी होंगी, पर भाई मैं आने में बहुत देर कर देता हूँ, मतलब बंदे आपस में लड़ के ठिल चुके थे यहाँ पर। और देखो भाई, ये बाइक वाला ऊपर जाते हुए दिख रहा है अभी आपको, तो ये वहाँ पर जाके रुक जाता है मतलब। तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, पर ये भाई शक्ल ही नहीं दिखाता अपनी। तो मैं आगे पर एक ESP फेंक देता हूँ ताकि मुझे बंदा पता चल सके कि बंदा वहाँ पर ही है या नहीं पर है। अपने में बंदे की लोकेशन तो मुझे पता चल जाती है, फिर मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ और उतने में वो बंदा आगे पे चले जाता है। मतलब लड़ाई भी लगी थी यार अपने बगल में। देखो भाई, मैं डायरेक्ट ओपन में तो निकल नहीं सकता था, मतलब राइट वो देखिए वो भाग रहा है बंदा, मतलब कि वो राइट में एक बंदा और लेफ्ट में भी दो दो बंदे एक दूसरे को मार रहे थे। देखो अब इस बंदे को कैसा मारते हैं। और भाई, अगर आप कभी भी बंदे के ऊपर इस तरह से रश कर रहे हो तो लेफ्ट राइट होते हुए जाया करो यार, मतलब बंदे को एंगल ही नहीं मिलेगा आपको मारने के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा, वो बंदा पहले लेफ्ट में था तो मैंने लेफ्ट से उसको डैमेज दिया, फिर वो राइट में गया तो मैं राइट से जाके उसको सीधा ख़त्म कर देता हूँ। और भाई सामने पे अपने एक बंदा, और इसको भाई बिल्कुल मैंने सर पे ही रख के मारा था, और पता नहीं कैसे क्या इसके सर पे नहीं लगी गोली, पर फिर भी जाने तो दूसरी गोली लग जाती है इसके सर पे। अब इसके टीममेट की बारी थी और इसका टीममेट बहुत खुद ही मार मार के जा रहा था उसके पास, पर भाई रनिंग शॉट अपन कलेक्ट नहीं कर पाए तो क्या हुआ, रश कर देंगे। और भाई देखो, तुम्हारे भाई की जो KR वाली ID है, मतलब उस पर भी तुम्हारा भाई ट्राई कर रहा है मतलब खेलने की। अभी फिलहाल तो VPN लगा कर ही खेल रहा था मैं उस पर, मतलब कल ट्राई किया था भाई मैंने उसके ऊपर, तो मेरे को ठीक ठाक ही लगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी गेम प्ले डालने की। देखो भाई, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि रैंडमली टीममेट्स रहना बहुत ही हानिकारक होता है, मतलब आपकी किल आपको ठीक तरीके से मिल नहीं पाती। तो अभी आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा कि उसने मेरा एक और किल निकाल ही लिया वहाँ से। और भाई ये जो लास्ट बंदा है, इसको तो ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मतलब यार ये खुद हमें दावत दे रहा है कि भाई आओ मेरी पीटी बना के जाओ। देखो ये लास्ट जो बंदा था, ये सैक के अंदर था, मतलब देखो मैं एक ESP फेंक देता हूँ आगे ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि बंदा वहीं पर ही है। मैं ग्रेनेड डालने वाला था उसको, लास्ट बंदे को अपने ग्रेनेड से मारना था। तो भाई यहाँ पर इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। और हाँ भाई, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार भाई, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी हर नई वीडियो के साथ आपको रिपोर्ट मिलती रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।